हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन है 6 फंदों का। ये जो इतने इतने फंदे हैं, ये सारे 6 6 6 6 6 फंदों का, ये एक केबल जो है ये पूरी 6 फंदों की है और 8 रो की ये डिज़ाइन है। यहाँ से लेके और यहाँ तक 8 रो का ये डिज़ाइन है। उसी को ही मैंने बार बार रिपीट करा हुआ है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। एक्चुअली मैं छोटी बेबी का स्वेटर बना रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ डिजाइन। वो ये उसका फ्रंट साइड है। ये देखिए आप, ये ऑल पर्पज डिजाइन है। किसी की भी स्वेटर पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेडीज स्वेटर या जेंट स्वेटर पे। बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत ही इजी डिजाइन है। आपने जब भी ये डिजाइन डालना हो, 6 के मल्टीपल पे फंदे रखने हैं, प्लस एक फंदा यहाँ से और एक फंदा, 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा रखने हैं, एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। एज स्टिच रखना है आपने। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला पैटर्न बनाना। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाले हैं 20 स्टिचेस। 6 के हिसाब से मैंने 80 तो मैंने स्टिचेस डाले हैं, 2 मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं साइड साइड के लिए, एज स्टिच के लिए। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पहले आपने बॉर्डर बुनना है। बॉर्डर के बाद आप सीधे इससे स्टार्ट करोगे, राइट साइड से स्टार्ट होगा। अब देखिए कैसे बनाना है। फर्स्ट रो राइट साइड, पहला फंदा हमने सरकाया, एज स्टिच जाइए। ये देखिए, अब हम धागा आगे करेंगे और एक फंदा पहले उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। एक फंदा हम अब उल्टा बुनेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। पूरी रो हम इसी तरह से बुनेंगे, 1 2 3 4 5, और जो साइड का जो ये एक फंदा बचा, इसे हम सीधा ही बुन लेंगे, एज स्टिच है ये। पूरी सिलाई आपने ढंग से देखनी है, ध्यान से देखनी है, क्योंकि हर सिलाई में ये डिजाइन चेंज होता है। अब हम आ गए सेकंड रो पे, बैक साइड। ये एज स्टिच हम ऐसे ही निकाल देंगे। अब जो हमने उस साइड से ये 5 फंदे सीधे बुने थे, इस साइड से उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। मैं आपको 3 डिजाइन 3 केबल बनाना सिखा रही हूँ। 1 2 3, 3 केबल का ये बन रहा है। 5 मैंने उल्टे बुने, 1 मैं सीधा बुनूंगी। जो मैंने सीधी साइड से उल्टा बुना था, वो इस साइड से सीधा आएगा। अगेन 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5, 1 फंदा सीधा। अगेन 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 1 फंदा सीधा, और जो लास्ट का फंदा है उसे उल्टा। अब हम आ गए थर्ड रो पे। ध्यान से देखिएगा सारी रो। पहला फंदा सरकाया। अब देखिए, अब हमें पहले यहाँ पे एक जाली बनानी है, तो उसके लिए हमें ऐसे लपेटना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, एक बार हमें ऐसे लपेटना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे पहले, और जो ये दूसरा फंदा है इसे ऐसे लेंगे और इसे इस तरह से हम इस पे उतारेंगे, और इसे और इसके साथ वाला दूसरा फंदा, ये ध्यान से देखिए, 2 फंदे पीछे से और इसे ऐसे बुन देंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे बचते हैं, उन्हें हम सीधा ही बुन देंगे, ये देखिए। अब आगे हमारा उल्टा फंदा, धागा आगे करेंगे, एक बार लपेटेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे,
एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस फंदे को लेके ऐसा उतारेंगे इस तरह से, और इस पे और इसके बगल वाले पे दो फंदों पे हमने ऐसे सिलाई डालनी है और इसे इस तरह से बुन देना है। ये देखिए, और दो फंदे सीधे, अगेन ये उल्टा फंदा आ गया। धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे, यानी कि हम एक बार यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और एक बार यहाँ पे हम घटा भी रहे हैं। एक बार बढ़ता है फंदा, एक बार घटता है, फंदे उतने के उतने ही रहते हैं। धागा पीछे करना है, इसे इस तरह से शिफ्ट करेंगे और दो फंदे एक साथ पीछे से बुनेंगे ऐसे, अगेन दो फंदे सीधे, और जो लास्ट का फंदा है इसे भी हम इसके साथ ही सीधा बुन देंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे फोर्थ रो पे। फोर्थ रो, पहला फंदा हमने सरकाया एज स्टिच, और अब देखिए पहले हमारे यहाँ पे थे पांच फंदे सीधे इस साइड से, इस साइड से तो पांच फंदे उल्टे हैं। अब हम इस साइड से चार फंदे, क्योंकि एक फंदा हम घटा चुके हैं, तो अब ये चार फंदे ही उल्टे बचे हैं, दो तीन और चार। और पिछली बार यहाँ पे एक फंदा उल्टा था, अब यहाँ पे दो फंदे हो गए हैं उल्टे, एक फंदा ये और एक ये जाली में बड़ा है, इस फंदे को भी हम सीधा ही बुनेंगे। यहाँ पे दो सीधे हो गए, यहाँ पे चार उल्टे हो गए। हर बार पूरी सिलाई में ऐसा ही होगा। थर्ड रो है, दो तीन चार उल्टे और दो सीधे, जाली वाला फंदा भी सीधा, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, दो फंदे सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए पहला फंदा हमने ऐसे ही उतारा, अपनी साइड किया, अगेन हम जाली बनाएंगे, यहाँ पे दो फंदे उल्टे बुनेंगे क्योंकि एक जाली में भी हमारा बड़ा है। अब हमारे यहाँ पे हो गए दो फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, इस फंदे को इस तरह से ट्विस्ट करते हुए ऐसे डालेंगे और दो का एक करेंगे इस तरह से। अब हमारा बच गया एक फंदा, यहाँ पे इसे हम सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और दो। धागा पीछे, एक सीधा, इस वाले फंदे को ऐसे ट्विस्ट करके इसमें डालेंगे और दो फंदे एक साथ लेके इस तरह से। अब एक फंदा सीधा, अगेन धागा आगे और यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे इसे, दो फंदे उल्टे होंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा ऐसे और दो फंदे एक साथ पीछे से इस तरह से, एक फंदा सीधा और ये लास्ट का फंदा, इसे भी इसी के साथ सीधा। अब हमारी आ गई सिक्स्थ रो। आपने सारी सिलाइयां ध्यान से देखनी है, हर बार डिजाइन चेंज होता है। अब देखिए ये हमारा एज स्टिच निकाला हमने, अब हमारे यहाँ पे हो गए तीन फंदे उल्टे। फर्स्ट सेकंड रो पे हमारा यहाँ पे पांच फंदे थे, फिर चार फंदे हुए, अब हमारे तीन फंदे हो गए। हर बार एक एक फंदा उल्टा घटता है और सीधा वाला फंदा बढ़ता जाता है। अब हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और यहाँ पे पहले एक था सीधा, फिर दो सीधे हो गए, एक दो और एक ही जाली में बढ़ गया तीन, यानी कि तीन फंदे अब की बार उल्टे और तीन फंदे सीधे। इस रो में, सिक्स रो में हमारी तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, पूरी इसी तरह हमें कंप्लीट करनी है पूरी रो। ये देखिए तीन फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब हमारी सेवेंथ रो आ गई।
पहला फंदा हमने सरकाया, धागा आगे किया। अब देखिए, अब ये हमारी सेवेंथ रो है, इस पे हमने इस तरह से लपेटा, तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, इसे ऐसे ट्विस्ट किया और दो फंदे एक साथ बुने सीधे, धागा आगे किया, ऐसे लपेटा और तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, पीछे किया धागा, एक फंदा सीधा, इस फंदे को इस तरह से मोड़ के इस पर उतारा, दो फंदे एक साथ। अब हमारा यहाँ पे कोई भी सीधा फंदा नहीं बचा, ये पूरे घट घट के यहाँ पे पूरे खत्म हो गए, सीधा लपेटा और एक दो तीन, एक फंदा ऐसा, इसे ऐसे ट्विस्ट करके डाला और दो का एक, लास्ट का फंदा सीधा। अब ये हमारी लास्ट रो है, एट रो। अब देखिए यहां पे दो फंदे अब सीधे बच गए, अब यहां पे केवल दो फंदे सीधे हैं, दो फंदे सीधे और चार, सॉरी दो फंदे उल्टे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन और चार फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। पूरी सिलाई अब इसी तरह से होगी, दो उल्टे और चार सीधे, दो तीन और चार, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, सॉरी उल्टा, दो फंदा उल्टा और चार फंदे सीधे, दो तीन चार, लास्ट का फंदा उल्टा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये डिजाइन इतना ही है, इन्हीं एट रोज को हमने बार बार रिपीट करना है। ये देखिए बहुत ही इजी डिजाइन है, ये देखिए कितने जल्दी से बनके ये तैयार हो गया, ये देखिए इन्हें रिपीट करते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स यही है, ये इतना ही है ये डिजाइन। डिजाइन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय बाय।